How to get Minecraft mods, ये एक अनजाना क्वेश्चन है आजकल YouTube पे बहुत सर्च हो रहा है और मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने मेरे कम्युनिटी पे डाला था कि आपको क्या चाहिए, फ्री फायर आईडी कलेक्शन की वीडियो या फिर हाउ टू गेट MC मोड्स की वीडियो। तो 88% लोगों ने हाउ टू गेट MC मोड्स पे क्लिक किया था और ये इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं जो आपको ये ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो बिल्कुल फ्री या। फ्री, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो बिना किसी देरी के आप जी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो माइनक्राफ्ट के मोड्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पे सर्च बार टाइप करके आपको MCPEDL सर्च करना है। ये जो आपको पहले ऐप दिख रहा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। ये देख सकते हो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपका थोड़ा सा लोडिंग लेगा, फिर इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो आप इसका थीम वेलकम टू MCPEDL, मतलब ये पूरा माइनक्राफ्ट के थीम पे बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंडिंग, न्यूएस्ट मोड्स, मैप, सर्वर्स, स्किन्स और बहुत कुछ। तो आपको पहले तो यहाँ पे न्यूएस्ट पे आपको देख सकते हो कितने बहुत सारे क्रिएटर है। तो मैं पहले तो यहाँ पे मोड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। मोड्स पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो कितने तरह तरह के मोड्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक मोड को चूज करना ही पड़ेगा और मेरे को पसंद आ गया है। हाँ, ये निसान कॉन्सेप्ट बहुत ठीक है। और मिक्सर गाइस आपको सपोर्टेड माइनक्राफ्ट वर्जन पे ही आपको सिलेक्ट करना है, वरना आप वो वर्जन सिलेक्ट करोगे और मोड आपका इस वर्जन पे सपोर्ट करता है तो कैसे होगा वर्ग भाई। तो आपके इसके इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, वरना बोलोगे भाई मास्टर मित भाई ये नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो फिलहाल के लिए तो ये मोड मुझे थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ पहले तो क्या क्या लिखा है यहाँ पे। ओके, तो डाउनलोड पे फ्लाइव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद ये देख सकते हो रिसोर्स और बिहेवियर पैक आ चुके हैं। तो पहले तो आपको इसके क्लिक करना है। तो पहले ऐड बोलने को कहेगा, आप वहाँ पे ऐड देख लेना, मतलब ये तीन बार होता है। ये देखो डाउनलोड हो चुका है मेरा, ये फिर से बोल रहा है तो फिर से कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया मेरा। तो अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको करना है रेड बटन पे सॉरी इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ पे माइनक्राफ्ट को सिलेक्ट करना है। आपको कोई भी नहीं ZRChiever और ऐप की किसी भी ऐप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ऐप डायरेक्ट आपके मोड माइनक्राफ्ट में ट्रांसफर कर देगा। यस गाइस, आई एम नॉट लाइंग, जस्ट लुक एट दैट, इम्पोर्ट स्टार्टिंग, मतलब हमारा मोड एक्सपोर्ट हो रहा है और ये देख सकते हो। तो आपको सेटिंग्स में जाके भी चेक कर लेना आपका मोड हुआ या नहीं। तो ये हो गया मेरा मोड, सेटिंग्स में जाके मैं चेक कर देता हूँ एक बार, लोड हो रहा है और सेटिंग्स जनरल ओके। तो हो चुका है, माय पैक्स में ये आ चुका है। तो फटाक से मैं वर्ल्ड क्रिएट कर देता हूँ, ये एक्टिवेट कर लिया और एक्सपेरिमेंट जाके इसके सब इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मैं सब इसको ऑन कर देता हूँ। क्रिएट न्यू वर्ड, बिल्डिंग ट्यूटोरियल, लोडिंग, ठीक है भाई। अब ये हमारा माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड ओपन होने वाला है। तो मैं फास्ट क्या आ चुका हूँ और ये देख सकते हो मुझे निसान की गाड़ी मिल चुकी है। प्लेस कर देता हूँ मैं ये गाड़ी और विजन GT कुछ तो ये आ चुका है, थोड़ा सा लैग हो रहा है गाइस समझ लेना। तो मैं पहले ये देख सकते हो गाइस क्या ही स्पीड है इसकी भाई साहब, साउंड सुनो, मतलब गाइस आप कुछ भी यहाँ पे मोड डाल करते हैं वो वर्क करता है। बूस्ट जरा स्पीड में कर देता हूँ, ठीक है चलो। ओ भाई साहब क्या है ये, अरे भाई कितनी स्पीड है इस गाड़ी पे। तो भाई साहब मेरा सर चकरा रहा है,